तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपके पास भी कोई रेयर सिक्के या नोट मौजूद हैं तो आप उन्हें कैसे सेल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके पुराने सिक्के और नोटों को बड़े ही आसानी से सेल किया जा सकता है। अगर आपको ये नहीं पता कि आपको अपने पुराने सिक्के और नोट कैसे बेचने हैं तो इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक जरूर देखते रहें, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको डायरेक्ट बायर की इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप जल्दी से लाइक और शेयर जरूर कर दें और कमेंट करके हमें ये बताएं कि आपके पास कौन से रेयर सिक्के या नोट मौजूद हैं जिन्हें आप सेल करना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपके पास भी कोई ऐसा सिक्का या नोट निकल आए जिसकी कीमत आज के समय में लाखों में है। तो वीडियो में दोस्तों हम आगे बढ़ें इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाल कलर का सब्सक्राइब बटन आपको वीडियो के नीचे दिख रहा होगा, उसे आप क्लिक कर लें और उसके बाद वहां पर एक घंटी बन के आएगी, उसमें आपको ऑल नोटिफिकेशन एक्टिवेट कर लेनी है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि वो कौन से नोट और सिक्के हैं जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी कीमत दिला सकते हैं और आपको हज़ारों या लाखों रुपए तक की कीमत भी दिला सकते हैं। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप एक सिक्का देख सकते हैं, ये है 25 पैसे का सिक्का और ये जारी हुआ था 1972 से 1990 के बीच में। इस सिक्के की जो धातु थी वो थी कॉपर और निकल और इसका वजन था 2.5 ग्राम। इस सिक्के के डिज़ाइन के बारे में अगर हम बात करें तो सिक्के के सामने वाले भाग पर जो है वो आप हिंदी और अंग्रेज़ी में 25 पैसे लिखा हुआ देख सकते हैं। सिक्के के नीचे इसका सन है, साथ ही यहाँ पर गेहूं की दो बालियाँ बनाई गई हैं। सिक्के के पिछले भाग पर जो है वो अशोक स्तंभ को दर्शाया गया है, साथ ही हिंदी में भारत और अंग्रेज़ी में इंडिया लिखा गया है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा कीमती सिक्का माना जाता है वो है 1980 का बॉम्बे मिंट का सिक्का। ये जो सिक्का है बॉम्बे मिंट का बहुत ही ज़्यादा कीमती माना गया है और इसकी जो कंडीशन है, अगर आपके पास एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में भी ये सिक्का हो तो आपको इसके 25,000 रुपये तक मिल सकते हैं। और अगर आपके पास ऐसा कोई सिक्का यूएनसी कंडीशन में निकला है तो ये सिक्का आपको 50,000 या उससे भी ज़्यादा कीमत दिला सकता है। इसके साथ ही दोस्तों अगर आपके पास 1984 का ऐसा कोई हैदराबाद मिंट का सिक्का हो यूएनसी कंडीशन में तो वो आपको दिला सकता है 1,000 रुपये। और अगर आपके पास 1989 का जो सिक्का हैदराबाद मिंट का हो तो वो आपको 1,500 रुपये तक यूएनसी कंडीशन में दिला सकता है। तो दोस्तों 25 पैसे के सिक्के के बाद हम बात कर लेते हैं 50 पैसे के एक सिक्के की जो कि काफ़ी ज़्यादा महंगा है। दोस्तों स्क्रीन पर आप एक सिक्का देख सकते हैं जो कि 50 पैसे का है और इस पर रुपए का आधा भाग लिखा हुआ है। दोस्तों ये सिक्का जारी हुआ था 1960 से 1963 के बीच में और इस सिक्के को बनाया गया था निकल की धातु से। इसका जो वज़न था वो था 5 ग्राम और इस सिक्के के सामने वाले भाग पर आप रुपए का आधा भाग लिखा हुआ देख सकते हैं, साथ ही 50 नए पैसे हिंदी में लिखा हुआ देख सकते हैं, साथ ही सिक्के के सन और इसके नीचे इसका मिंट मार्क है और साथ ही इस पर गेहूं की दो बालियां बनाई गई हैं। सिक्के के पिछले भाग पर भारत और इंडिया लिखा गया है, साथ ही बीच में अशोक स्तंभ को दर्शाया गया है। और इसमें जो सबसे कीमती सिक्का है वो है 1957 और 1959 का। अगर आपके पास ऐसा सिक्का यूएनसी कंडीशन में हो तो आज के समय में इसकी कीमत जो है 60 से 65 हज़ार रुपये के बीच में है। तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक 50 पैसे का सिक्का आपको इतनी भारी कीमत दिला सकता है। इसके बाद अगले 50 पैसे के ही सिक्के की बात करते हैं और ये जो सिक्के हैं जारी किए गए थे 1984 से 1990 के बीच में और इनकी जो धातु थी वो थी कॉपर और निकल। इस सिक्के के एक भाग पर आप 50 पैसे हिंदी व अंग्रेज़ी में लिखा हुआ देख सकते हैं, निचले भाग पर सिक्के के बनने का सन और उसका मिंट मार्क है, सिक्के के पिछले भाग पर अशोक स्तंभ और भारत और इंडिया लिखा गया है। और इसमें जो सबसे कीमती सिक्के हैं वो हैं 1986 के बॉम्बे मिंट के सिक्के और 1988 के नोएडा मिंट के सिक्के। ये जो सिक्के हैं आपको यूएनसी कंडीशन में
6,000 रुपए से 7,000 रुपए के बीच दिला सकते हैं। साथ ही अगर आपके पास 1989 का सिक्का हैदराबाद मिंट का हो तो वो आपको वर्तमान समय में 1500 से 2,000 रुपए के बीच दिला सकता है। और इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं 1 रुपए के सिक्के की। दोस्तों 1 रुपए के कई सारे ऐसे सिक्के हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा कीमती हैं। तो बात करते हैं पहले कीमती सिक्के की, जो कि जारी हुए थे 1962 से 1970 के बीच में, और इनकी जो धातु थी वो थी निकिल और इनका वज़न था 10 ग्राम। दोस्तों इस सिक्के के डिज़ाइन के बारे में बात करें तो सामने वाले भाग पर आप 1 रुपये हिंदी व अंग्रेज़ी में लिखा हुआ देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पर गेहूँ की 2 बालियाँ बनाई गई हैं। सिक्के के निचले भाग पर आप सिक्के के बनने का सन और इसका मिंट मार्क यहाँ पर देख सकते हैं। सिक्के के दूसरे भाग पर अशोक स्तंभ और भारत और इंडिया लिखा गया है। इसमें जो कीमती सिक्का है वो है 1970 का, जो कि बॉम्बे मिंट का है, और ये सिक्का आपको वर्तमान समय में 5,000 से 6,000 रुपये के बीच बड़ी ही आसानी से दिला सकता है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं 1 रुपये के अगले एक कीमती सिक्के के बारे में, जो कि जारी किया गया था 1982 में। दोस्तों इस सिक्के को कॉपर और निकल की धातु से तैयार किया गया था। इसका वज़न जो था वो था 6 ग्राम, और इसके ऊपर आप जो डिज़ाइन देख सकते हैं वो कुछ हद तक पिछले सिक्के के ही जैसा है, पर इसमें कुछ बदलाव किया गया है। और इसके सामने वाले भाग पर आप गेहूं की 2 बालियां बनी हुई देख सकते हैं। साथ ही 1 रुपये हिंदी व अंग्रेज़ी में लिखा हुआ देख सकते हैं। साथ ही दूसरे भाग पर अशोक स्तंभ और भारत और इंडिया लिखा हुआ देख सकते हैं। इसके नीचे सत्यमेव जयते यहाँ पर लिखा गया है। तो सिक्के की कीमत के बारे में बात करें, 1982 का जो सिक्का है वो बॉम्बे मिंट में तैयार हुआ था, और इसकी जो यूएनसी कंडीशन में कीमत आज के समय में है वो है 40,000 से 50,000 रुपए के बीच में। तो अभी हमने जिन सिक्कों की कीमत आपको बताई वो थे नॉर्मल कॉइन्स। अब हम आपको बताने वाले हैं कमोरेटिव कॉइन्स के बारे में, यानी ये कमोरेटिव कॉइन्स जो होते हैं वो किसी विशेष अवसर पर जारी किए जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं 25 पैसे के कमोरेटिव कॉइन से, जो कि जारी किया गया था वर्ल्ड फूड डे के अवसर पर, यानी इसे जारी किया गया था 1981 में, और इसकी जो धातु थी वो थी कॉपर और निकल, और इसका वज़न जो था वो था 2.5 ग्राम। इस सिक्के के एक भाग पर आप विश्व खाद्य दिवस तथा अंग्रेजी में वर्ल्ड फूड डे लिखा हुआ देख सकते हैं। साथ ही इस पर 2 किसानों को काम करते हुए दिखाया गया है। इसके नीचे यहाँ पर सिक्के के बनने का सन और इसका मिंट मार्क अंकित किया गया है। सिक्के के दूसरे भाग पर आप भारत और इंडिया हिंदी व अंग्रेज़ी में लिखा हुआ देख सकते हैं। साथ ही बीच में अशोक स्तंभ को बनाया गया है। साथ ही हिंदी व अंग्रेज़ी में 25 पैसे भी इस पर अंकित किया गया है। और ये जो सिक्का है सारे ही मिंटों का काफ़ी ज़्यादा कीमती है, और 3 मिंट में ये सिक्का जारी हुआ था बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद, और इसकी जो यूएनसी कंडीशन में कीमत है वो है लगभग 250 रुपये से 400 रुपये के बीच में। इसके बाद अगला जो कीमती सिक्का है वो है एशियन गेम्स वाला सिक्का, जो कि हैदराबाद मिंट का सिक्का है। ये 1982 में जारी किया गया था, और इसकी जो धातु थी वो थी कॉपर और निकल। इसका भी वज़न 2.5 ग्राम है, और इसके डिज़ाइन के बारे में बात करें तो हिंदी में आप इस पर नवम एशियाई गेम्स लिखा हुआ देख सकते हैं। साथ ही 9th एशियन गेम्स दिल्ली इस पर आप लिखा हुआ देख पाएंगे। सबसे निचले भाग पर सिक्के के बनने का सन है, बीच में जंतर मंतर की तस्वीर को दर्शाया गया है। साथ ही सिक्के के दूसरे भाग पर आप भारत और इंडिया लिखा हुआ देख सकते हैं। साथ ही 25 पैसे हिंदी व अंग्रेज़ी में इस पर अंकित किया गया है। ये जो सिक्का हैदराबाद मिंट में बनाया गया था इसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा है, दूसरे सिक्के जो हैं वो इतने ज़्यादा कीमती नहीं हैं, ये जो बॉम्बे और कलकत्ता मिंट वाले सिक्के हैं। पर हैदराबाद मिंट का जो सिक्का है वो वर्तमान समय में आपको 2500 से 3000 रुपये के बीच दिला सकता है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं 50 पैसे के एक कमोमेटिव कॉइन के बारे में। कमोमेटिव कॉइन जो हैं वो विशेष अवसर पर ही जारी होते हैं, और ऐसा ही एक कॉइन जारी हुआ था 1982 में। नेशनल इंटीग्रेशन इस कॉइन का नाम है, यानी राष्ट्रीय एकता हिंदी में, और अंग्रेज़ी में नेशनल इंटीग्रेशन नाम से ये जाना जाता है।
इस सिक्के के एक भाग पर आप भारत की तस्वीर को देख सकते हैं, साथ ही इसके बीच में भारत के झंडे को दर्शाया गया है। साथ ही निचले भाग पर सिक्के के बनने का सन है और उसका मिंट मार्क है। सिक्के के दूसरे भाग पर जो है अशोक स्तंभ और भारत और इंडिया लिखा गया है, साथ ही 50 पैसे हिंदी व अंग्रेजी में इस पर अंकित किया गया है। सिक्के की जो धातु है वो है कॉपर और निकल और इसका वजन है 5 ग्राम। और ये सिक्का जो कलकत्ता मिंट में बनाया गया था काफ़ी ज़्यादा कीमती है। इसके बॉम्बे मिंट वाले सिक्के भी जारी हुए थे पर वो इतने ज़्यादा कीमती नहीं हैं। कलकत्ता मिंट वाला जो सिक्का है यूएनसी कंडीशन में आपको 1500 से 2000 रुपए के बीच दिला सकता है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं 1 रुपए के एक कमेमोरेटिव कॉइन के बारे में जो कि बहुत ही ज़्यादा कीमती माना जाता है। दोस्तों ये सिक्का है इंटरनेशनल यूथ वाला सिक्का जो कि 1985 में जारी किया गया था। इस सिक्के को कॉपर और निकल की धातु से तैयार किया गया था और इसका जो वजन था वो था 6 ग्राम। इस सिक्के के सामने वाले भाग पर आप अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष लिखा हुआ देख सकते हैं, साथ ही इंटरनेशनल यूथ ईयर अंग्रेजी में लिखा हुआ देख पाएंगे। सिक्के के बीचों बीच इसका लोगो बनाया गया है, यानी इंटरनेशनल यूथ ईयर का लोगो यहाँ पर आप देख सकते हैं और उसके ऊपर आप सिक्के के बनने का सन बना हुआ देख सकते हैं। इसके नीचे इसका मिंट मार्क है। सिक्के के दूसरे भाग पर अशोक स्तंभ 1 रुपये हिंदी व अंग्रेजी में और भारत और इंडिया हिंदी व अंग्रेजी में आप इस पर लिखा हुआ देख पाएंगे। और ये जो सिक्के थे 3 मिनटों में ढाले गए थे और इनमें सबसे ज़्यादा जो कीमती सिक्का है वो है हैदराबाद मिंट का सिक्का जो कि आपको यूएनसी कंडीशन में 50 से 55 हज़ार रुपये तक दिला सकता है। इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं 2 रुपये के एक कमेमोरेटिव कॉइन के बारे में जो कि है सुभाष चंद्र बोस वाला सिक्का। ये जारी हुआ था 1996 में और इसके ऊपर लिखा हुआ है सुभाष चंद्र बोस जन्मशती और अंग्रेजी में सुभाष चंद्र बोस सेंटेनरी। और ये सिक्का है कॉपर और निकल का और इसका वज़न जो है वो है 6 ग्राम। और ये सिक्का केवल कलकत्ता की मिंट से ही जारी हुआ था और इसकी जो कीमत है वर्तमान समय में वो है 5000 से 6000 रुपए के बीच में यूएनसी कंडीशन में। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इन कॉइन्स को आप कहां पर जाकर सेल कर सकते हैं। दोस्तों 7 फरवरी को भारत के कई बड़े शहरों में कॉइन एग्जीबिशन लगने वाले हैं, जिनमें सबसे पहला शहर है तमिलनाडु का कोयम्बटूर शहर, गुजरात का अहमदाबाद शहर तथा तीसरा शहर है झारखंड का रांची शहर। तो ये तीनों जगह हैं जहां पर काफ़ी सारे बड़े बड़े कॉइन बायर्स और सेलर्स यहां पर आने वाले हैं। इस एग्जीबिशन में जाकर आप अपने नोटों सिक्कों को डायरेक्टली सेल कर सकते हैं। इन सारे ही एग्जीबिशंस का पता हमने स्क्रीन पर आपको अभी दिया हुआ है, जल्दी से आप नोट कर लें और यहां पर जाकर अपने नोट और सिक्कों को सेल करें। इसके साथ ही दोस्तों हमारी वेबसाइट indiancoinmill.com को भी आप विजिट कर सकते हैं। यहां पर हमने फ्री में आपको नोट और सिक्कों के एड्स पोस्ट करने के लिए सर्विस प्रोवाइड की हुई है। आप यहां पर जाकर अपने रेयर सिक्कों और नोटों के एड्स पोस्ट कर सकते हैं और अगर कोई बायर इंटरेस्टेड होगा तो यहाँ से वो आपको डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकता है। हमारी वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। आशा करता हूँ आपका दिन मंगलमय होगा।